यह है देवघर का कांवरिया पथ। 105 किलोमीटर की लंबी कांवर यात्रा इसी पथ से होकर गुजरती है, जिसमें झारखंड की सीमा में यह 10 किलोमीटर का क्षेत्र पड़ता है। मखमली बालू की जगह आज रास्ते पर कीचड़ ने अपनी जगह बना ली है। कांवरियों के लिए बैठने और आराम करने के लिए बनाए गए कुर्सी आज कांवरियों की राह तकते दिख रहे हैं। दुकानों के सूख चुके बांस और बल्ले और नीचे टूटे पड़े चूल्हे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि श्रावणी मेला अब दम तोड़ चुकी है और उम्मीद की कोई भी किरण नहीं दिखती है। जो है यहाँ का प्रशासन 2 महीना पहले ही जो है इस रोड पर जितने भी चापाकल हुआ, पानी का व्यवस्था या रोड की व्यवस्था या अथी बनाने के लिए जो व्यवस्था होती थी, कांवरिया को जो व्यवस्था होती थी सरकार के द्वारा, वो 2 महीना से ही इस रोड में तैयारी चलती थी। और जो है इस जो है श्रावणी मेला में अब जो है समय कम रह गया है और जो है अब हम लोग को जो है इस कम में यदि श्रावणी मेला सरकार से चलता है तो हम लोग जो है अभी तक कोई काम नहीं हुआ है ना हम लोग कर सकते हैं। रोजी इसमें तो जो है दुकान बहुत सारा ग्रामीण के लोग, बाहर से भी आदमी गरीब गुरुआ आकर के दुकान करते थे, उनकी रोजी रोजी यदि श्रावणी मेला नहीं चलता तो उनकी रोजी रोटी पर आफत आएगी। पूरा में जहाँ वहाँ से वहाँ तक पूरा काम करते हैं हम लोग, 4-5 आदमी मिलकर लेबर वेबर लगा के सब अभी सब बंद हो गया है। बहुत पंडाल 4-5 किलोमीटर तक। पंडाल के निर्माणकर्ता बताते हैं कि तकरीबन 200 पंडालों का निर्माण यहाँ किया जाता था और इनके साथ 100 लोग और रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन आज यह बेकार बैठे। वहीं दूसरी ओर स्थानीय दुकानदार भी कहते हैं कि इस 1 महीने के कारोबार से लगभग साल भर का राशन का जुगाड़ हो जाता था, लेकिन श्रावणी मेला नहीं होने की वजह से आज भुखमरी की समस्या है और रोजी रोटी के लिए दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं। देवघर के बाबा मंदिर से लेकर देवघर के दुम्मा बॉर्डर तक 10 किलोमीटर लंबी इस पथ पर आज खामोशी है और यह खामोशी बता रही है कि तुम अगले वर्ष जरूर आओगे। बहुत गंभीर यहाँ का आदमी का बीत रहा है। सावन भादा आसिन 3 महीना चलता था, जबकि यहाँ से देवघर से सुल्तानगंज तक हर आदमी का मैंने प्रभाव कुछ नहीं पड़ता था कि मैंने कमाने की चुवा से 3 महीना कमाता था, साल भर का बीत के खाता था। अभी तो कुछ नहीं, सन्नाटा पड़ रहा है सब। लगता सावन है ये नहीं इधर।